माननीय मंशा सिंह और सभी लोगों तक पहुंचने वाले, अपना आवाज लोगों तक पहुंचाने वाले सभी कम्युनिटी रेडियो के संचालक और उसके संबंधित सभी लोगों का बिल्कुल स्वागत है। ये किताब सभी लोग पढ़े, 262 से ज्यादा कम्युनिटी रेडियो केंद्र है। मुझे भी पहले उत्सुकता थी कि कम्युनिटी रेडियो कैसे चल रहा है, तो मैं गया, दो कम्युनिटी रेडियोज को मैंने भेंट की और मैंने वहाँ उनके कार्यक्रम कैसे बन रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अभी भी मैंने पूछा तो कोई 12 घंटे चला रहा है, कोई 10 घंटे चला रहा है, एक ने तो कहा वो 24 घंटे चलाते हैं। उनको सबको बहुत बहुत बधाई। जिनको पुरस्कार मिले उनको भी विशेष बधाई, और जो बाकी लोगों को आज नहीं मिले उनको कल मिले इसके लिए उनको शुभकामनाएं, क्योंकि वो प्रयास करें अपने तरीके से। कम्युनिटी रेडियो क्या है? एक ट्रांसमीटर के साथ 15-20 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में, और उसमें भी सरकार मदद करती है, अक्षरशः 2-3 रूम्स में ये काम शुरू करते हैं, और 15 किलोमीटर के रेडियस में बहुत सारे गांव होते हैं और वहां तक उनकी आवाज पहुंचती है। एंटरटेनमेंट भी होती है, प्रबोधन भी होता है, स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन मिलता है, वो अपनी बात पहुंचा सकते हैं, उनको एक मंच मिलता है। और आखिर जागरूक समाज कब होता है? जब वहां खेती के बारे में, व्यापार के बारे में, कौशल के बारे में, जब जीवन के बाकी प्रश्नों के बारे में, करियर के बारे में, जहां मार्गदर्शन मिलने का और एक केंद्र बन गया, तो ये कम्युनिटी रेडियो बहुत ही काम करता है। मुख्यतः अनेक कृषि विज्ञान केंद्रों में ये है, और उसके साथ साथ अनेक स्वयंसेवी संस्था, ट्रस्ट और ऑर्गेनाइजेशंस भी इसको चलाते हैं, और इसलिए ये एक बहुत अच्छा मीडियम है। मैं तो चाहूँगा कि अभी 260 है, जल्दी ये 500 कम्युनिटी रेडियो हो, इसके लिए हम सारा प्रयास करेंगे। क्योंकि आनंद आता है जब लोग इस तरह से, इतनी प्रतिभाएं काम करती है एक दिशा में, तो एक दिशा में काम करने का इसमें बहुत अवसर है, एक नया मंच है सबके लिए। और ये FM होता है, मुझे कभी कभी ईर्ष्या होती है कि मेरे आकाशवाणी के सभी केंद्र FM नहीं है, लेकिन आप सभी FM है, तो आपका सिग्नल बहुत अच्छी तरीके से 15 किलोमीटर के रेडियस में पहुंचता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए हम आकाशवाणी के सभी केंद्रों का भी जल्दी FM और AM दोनों, मीडियम वेव और FM दोनों हो, ताकि वो सब जगह दिक्कतें दूर करके पहुंच जाए, क्योंकि रेडियो जितना ताकत किसमें भी नहीं। रेडियो जितनी विश्वसनीयता किसकी भी नहीं। और मुझे याद है प्रधानमंत्री जी को जब हम पहली दफा मंत्री पहली बार बनने के बाद 14 में मिले थे, तब उन्होंने रेडियो की विश्वसनीयता और रेडियो का उपयोग कैसे सब जगह होता है और हमें कैसे बढ़ाना चाहिए ये कहा, और तभी उनके मन में पक्का था, तो मन की बात शुरू हो गई। आज देश की बात वो बन गई है, वो दिल की बात बन गई है, ये रेडियो का सफलता है। रेडियो कहाँ तक पहुँचता है इसका ये उदाहरण है। मैं खेतों में, मैं बहुत सारा प्रवास करता हूँ, तो दोपहर के समय खेत में खा रहे हैं किसान, तो वो भी रेडियो सुन रहे हैं। जो भी अभी तो मोबाइल में रेडियो है, अभी तो सब जगह रेडियो है, तो रेडियो सुनाई देता है और इसका उपयोग है। अभी हमने, हमारी चर्चा हुई, एक नई टेक्नोलॉजी है डिजिटल, जिससे कि डिजिटल टेक्नोलॉजी से आज जो रेडियो के केंद्र है, सेंटर्स है, आकाशवाणी केंद्र है, उसमें 4 गुना वृद्धि हो सकती है।
उसके बारे में भी हम नीतिगत फैसला जल्दी लेंगे कि भाई 2024-2025 कुछ भी एक तारीख तय होगी, उसके साथ उसी वर्ष से ये नई पॉलिसी होगी तो और ज़्यादा विस्तार होगा। क्योंकि मैं मानता हूँ लोगों को लगता क्या है, सुनने का, अच्छा बोलने का जितना अवसर मिले वो भारतीय आदमी हमेशा तैयार है। जब एडिसन ने फोन निकाला पहला टेलीफोन, तो वो अमेरिकन अध्यक्ष को दिखाने के लिए ले गए और उन्होंने कहा कि इस फोन के माध्यम से हम कहीं भी बात कर सकेंगे, दूसरे शहर में भी बात कर सकेंगे। तो अमेरिकन अध्यक्ष ने उनको पूछा कि भाई साहब, लेकिन बोलने के लिए पैसे कौन देंगे? आज पूरी दुनिया दे रही है, भारत सबसे ज़्यादा दे रहा है, यानी ज़्यादा समय बोलते हैं हम टेलीफोन पर, मोबाइल पर। मोबाइल एक घर घर का और हर एक के पास मोबाइल, ऐसी अवस्था आ गई और सबसे सस्ते रेट है, इसलिए सबसे ज़्यादा भी बोलते हैं। तो ये ताकत होती है, कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, लोगों को मन में सारा पड़ा रहे और किसी से कुछ न बोलो। सबसे बड़ा सजा क्या होती है, किसी से संपर्क न हो, किसी से बात न कर सकते हो और आपके पास कम्युनिकेशन का कोई साधन न हो, ये सबसे बड़ी सजा हो सकती है। और इसलिए कम्युनिकेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण औजार कम्युनिटी रेडियो, ये आज इनको सबको पुरस्कार दिए। दो दिन आपने सम्मेलन किए हैं और दो दिन में आपको भी बोलने का अवसर मिला, हमारे ये अधिकारियों के भाषण नहीं हुए और आपके बहुत अच्छे सुझाव आए हैं, भाषण ही हुए तो अभी नेक्स्ट सेशन आप बोलते ही रहोगे। नहीं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ हमारे अधिकारियों को, पब्लिकली की भी, कि कोई भी कार्यक्रम करेंगे, वर्कशॉप करेंगे, तो आधा समय हमारा, आधा समय जो आए हैं उनका, और उनको वो मिलना चाहिए, यह हमारी हमेशा भूमिका रही है। एक तरफा वो संवाद नहीं होता, तो संवाद होना चाहिए। और इसलिए, लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों की बातचीत जो हुई उसमें जो सुझाव आए वो बहुत अच्छे अच्छे सुझाव आए, और उसको भी हम विचार करके और अच्छा क्या कर सकते हैं ये करेंगे। कम्युनिटी रेडियो लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उसको आगे बढ़ाएंगे, और सभी अच्छे उपक्रम और अच्छी संस्थाओं को यह अवसर मिले और सभी लोग अच्छा कार्यक्रम करते जाए, एक दूसरे से सीखे, एक दूसरे से कैसे कैसे कार्यक्रम करते हैं, कौन से कार्यक्रम पॉपुलर है। आप भी कहाँ मिलते हो, इस निमित्त से मिले हो तो आपस में भी आपने चर्चा की होगी, और ये कंपेडियम है, इसमें भी सारी जानकारी है। एक दूसरे की जानकारी लेके उनका अध्ययन करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, यही मेरा मूल कहना है। और इसलिए आज ये कम्युनिटी रेडियो का पहला सम्मेलन हुआ, सातवां है, लेकिन दो साल के बाद हुआ है, तो ये एक हमेशा चलेगा, हमारा संवाद बरकरार रहेगा। और आइए, स्वागत करेंगे, नेक्स्ट टाइम मैं ज़्यादा समय आपके साथ रहूँगा, इतना कह सकता हूँ। दूसरा, हमारे ब्यूरो ऑफ आउटरीच के माध्यम से यह जन कनेक्ट, सही नियत मजबूत फैसले, प्रचार सूचना प्रसारण का ये काम है कि जनता तक सही जानकारी पहुंचाना। और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में निर्णयों की गति इतनी तेज है कि उस तेज गति में हमें 50 दिन का भी हमने एक किताब निकाला। पहले लोग एक वर्ष का रिपोर्ट देते थे, अनेक सरकारें थी जो रिपोर्ट देती नहीं थी, उनकी रिपोर्ट रोज पेपर में उल्टी आती थी, लेकिन वो बदल गया। अब हम सप्ताह, साल भर में नहीं, पहले 100 दिन में दिया था पहली बार, लेकिन इस बार तो 50 दिन में भी दिया, 75 दिन में दिया, और बताने जैसा भरपूर काम हुआ है। जैसे हमें मालूम है, कश्मीर के जनता को विकास का देश के लोगों जैसा समान अधिकार नहीं मिलता था,
वो विकास का सही अधिकार मिले, इसके लिए एक ऐतिहासिक निर्णय 370 के बारे में हुआ। और उस 370 के निर्णय के बाद कश्मीर की जिस तरह से पुनर्रचना भी हुई है, और मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ लोग, उनको आरक्षण नहीं मिल रहा था वो मिलेगा, उनको राइट टू एजुकेशन नहीं मिल रहा था वो मिलेगा, उनको अनेक सरकारी योजनाएं जो अच्छी चल रही है और देश भर के गरीबों को और सबको फायदा होता है वो वहाँ नहीं चल रही थी, उसका लाभ मिलेगा, देश के सभी कानून वहाँ लागू होंगे, और इसलिए देश की विकास की गति जैसी है उससे भी ज़्यादा गति से अब कश्मीर और जम्मू और लद्दाख तीनों प्रांत दो प्रांत हो गए, और दोनों अब बहुत अच्छे तरीके से बढ़ेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। और इसलिए एक बड़ा निर्णय हुआ, एक क्रांतिकारी बजट आया, और बजट में हमने घोषणा की और पूरे देश भर ने स्वीकार की कि $5 trillion इकोनॉमी। आज दुनिया की हम 11वीं अर्थव्यवस्था थे 2014 में, अभी 2019 में हमारा 5वां नंबर है, हम 3रे नंबर पर जाने की मंशा रखते हैं, लो एम इज क्राइम, हाई एम रखना चाहिए, और उसके लिए कैसे राह तैयार कर रहे हैं ये भी हमने देखा। 100 लाख करोड़ का सड़क, बिजली, पानी, पोर्ट, एयरपोर्ट, जलमार्ग, सभी तरीके से आवाजाही के साधन, मेडिकल बिल हो या 35 बिल पास हुए पिछले अनेक सालों में, राज्यसभा ये स्पीड ब्रेकर समझा जाता था, इस बार राज्यसभा भी हाईवे बन गया विदाउट एनी स्पीड ब्रेकर, ये हो गया, और इसलिए ये इतने बिल पास हुए। विधायिका का नाम ही लेजिस्लेचर नाम है, लेजिस्लेचर माने हमारा नाम भी एक तरह से विधायक है, आवर जॉब इज टू लेजिस्लेट, तो वो लेजिस्लेशन हमने किए, और इसके लिए जनता के तरक्की के और दरवाजे खुले, मोटर व्हीकल एक्ट में भी बदलाव हुआ, बहुत सारे बदलाव इसी माध्यम से आए, ट्रिपल तलाक एक मुस्लिम महिलाओं को न्याय देने वाला बिल वो भी आ गया, और उसके साथ साथ किसान को 90,000 करोड़ रुपए की लागत से हर साल 6,000 रुपए मदद के रूप में, और ये कंटिन्यूअस आने वाले सालों में मिलता रहेगा, ये एक बहुत बड़ा किसान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय है। उसको बाकी सारी योजनाएं लागू हो ही गई है, अब उसके लिए पेंशन का भी दरवाजा खुला है, 40 करोड़ असंगठित मजदूर है उनके लिए भी पेंशन शुरू हो रहा है, और 40 करोड़ मजदूरों को रोजगार का जो ये होना चाहिए कि उसकी नियुक्ति का पत्र भी नहीं मिलता था वो भी मिलेगा, और उसको न्यूनतम वेतन भी मिलेगा, ये वेज कोड का बिल भी पास हो गया है। उसके साथ साथ जो व्यापारी है छोटे, 6-7 करोड़ व्यापारी ऐसे हैं, उनको भी पेंशन की सुविधा दी गई है। हमारी देश की सुरक्षा बलों पर हमें नाज है, गर्व है, उनके लिए बहुत सारे निर्णय, जैसे ORoP का निर्णय पहले ही किया जो 40 साल से पेंडिंग था, लेकिन अभी भी प्रधानमंत्री जी ने कार्यभार संभाला तो सेना बलों के छात्रों को, उनके लड़के लड़कियों को, बेटे बेटियों को छात्रवृत्ति कैसे बढ़ेगी, इसका पहला आदेश निर्गमित किया। तो ये एक तरह से लगातार लोगों के लिए और लोगों के लिए अच्छे अच्छे फैसले करने वाले ये हुआ है, ये भी आपको सबको मिलेगा, ये भी जरूर पढ़िए। और लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि ये दोनों कार्यक्रम आज एक साथ हमने किए क्योंकि समय का अभाव होता है, अभी मैं जा रहा हूँ, दूसरे एक पॉलिटिकल विषय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, लेकिन आप सब लोग यहाँ आए, बहुत अच्छे तरह से आपने सहभाग दिया है, और भी आपके मुद्दे जो होंगे वो भी सुनेंगे, और आप कभी भी मुझे मेरे नाम से लिखिए, मुझे आया हुआ हर पत्र मैं पढ़ता ही हूँ, तो इसके लिए कोई मन में आशंका न रखे, और उसका जो भी संज्ञान लेना है वो लेते हैं, सुधार करते रहना यही अपना काम है। आप सबके साथ मैं भी एक कम्युनिटी रेडियो का आवाज़ हूँ।